टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा स्कूल में और आपको बता दें कि आज जो है यहाँ पर कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप का आयोजन 2 दिनों के लिए किया गया है। गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाज का 5 अगस्त को जो है जन्मदिन है, उसके उपलक्ष में विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान ने 2 दिन के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। दरअसल ये कैंप जो यहाँ पर लगाया गया है, आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है डॉक्टरों की टीम बैठी हुई है और लोगों को यहाँ पर जो है दवाइयाँ जो है उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस तरह की आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर मेडिकल कैंप है और दवा जो यहाँ पर दिया जा रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ये दवा दिया जा रहा है। और इसी तरह का एक कैंप जो है जो विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान उनके ऑफिस के ठीक सामने भी वहाँ पर भी जो है कैंप का इस तरह का आयोजन किया गया है। और इसी तरह से जो है हमारे साथ यहाँ पर विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शमीम खान ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर योगदान लिया है। शानू पठान जी, क्या बताएंगे आप इस कैंप का जो आयोजन किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र आवाज जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं और शमीम खान जी ने उमरा कोसा के अंदर विविध ठिकाने पे अलग अलग जगह सामाजिक कैंप, मेडिकल चेकअप, ये सभी चीज़ों के कार्यक्रम रखे इसी बंदर से लेके कोसा तक, जो आज 4 तारीख से लेके 5 तारीख तक चलेगा, जिनमें जनरल चेकअप, आई चेकअप, सारी दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, मुंबई की टीम, शिवाजी हॉस्पिटल की टीम और सिविल सर्जन, ये सभी मिला के 100 डॉक्टरों की टीम 2 दिन काम करेंगी। इस कैंप की वजह से हमारे शहरवासियों को काफ़ी लाभ होगा। इसके लिए मैं दूता आवाज जी, सैयद अली भाई साहब, हमारे नगर सेवक, हमारे दोस्त जिन्होंने साथ दिया, जो दिन रात लगे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके माध्यम से मैं लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि ये कैंप कल भी है, इसके जांच का फ़ायदा उठाएं। शानू जी, आपने इस तरह के कैंप का आयोजन जो है पिछली बार भी कई बार इस तरह का कैंप का आयोजन किया है, खासतौर पे जो गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाज है उनका बर्थडे है, इस उपलक्ष में इस कैंप का आयोजन किया गया है, तो क्या आगे भी इस तरह के कैंपों का आपके तरफ से और शमीम भाई के तरफ से कैंपों का आयोजन होता रहेगा? हमारे, मैं और शमीम खान जी की तरफ से बहुत सारे कैंप रखे गए हर महीने, क्योंकि कैंप जो लगते हैं इससे लोगों को फ़ायदा मिलता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दवाइयाँ लेने में और कहीं भी जाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, इसलिए जो जरूरी, यहाँ पे 900 आदमियों की दवाएं फ्री दी जा रही है। आप देख सकते हैं ये कार्टून, 900 लोगों की दवाएं फ्री का इंतज़ाम किया गया और वो भी सभी तरह दवाएं इसमें मिली जाएंगी और इसमें ऑपरेशन जो है कैटरस के ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन फ्री किए जाएंगे। इसलिए शहरवासियों को से गुजारिश है कि आए और इस कैंप का फ़ायदा उठाएं। और ऐसे ही हमारे हज़रत फखरुद्दीन शाह बाबा आरोग्य केंद्र में दरगाह के पास रोज़ 300 आदमी को वैक्सीन दी जाती है, उन वो आके वैक्सीन भी ले सकते हैं। अच्छा, जैसे ऑपरेशन की अगर किसी को ज़रूरत है, उन्हें ऑपरेशन कराना है, तो क्या प्रोसीजर है यहाँ कैंप के जरिए जो है उनका हॉस्पिटल में कैसे ऑपरेशन होगा, क्या प्रोसीजर? उनका चेकअप कराने के बाद किस तरीके का ऑपरेशन है, उनको जे हॉस्पिटल शिवाजी हॉस्पिटल बुला के, जे हॉस्पिटल शिवाजी हॉस्पिटल बुला के उनको अगर इमरजेंसी है तो तुरंत ऑपरेशन कर दिया जाएगा, नहीं तो 15 दिन बाद की डेट ऑपरेशन की देके उनका ऑपरेशन किया जाएगा। और भी यहाँ पर कुछ डॉक्टर मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? शिवानी लोखंडे। सुबह से एक कैंप का आयोजन किया गया है, तो आप लोग यहाँ पर जो मरीज़ आ रहे हैं उनकी जांच कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है किस तरह के पेशेंट जो है मुमरा में ज़्यादा मिल रहे हैं? मुमरा में एक्चुअली जो मतलब किसी का बॉडी पेन है या फिर किसी को थोड़ा सा दवाई की मतलब ताकत की ज़रूरत है, उनको डायबिटीज़ का है थोड़ा बहुत पेशेंट है, और बाकी कुछ स्किन के वगैरह प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे जो है पब्लिक को एक्चुअली थोड़ा सा करना चाहिए, जो साफ़ सफाई वगैरह है, गंदगी है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसे लग रहा है स्किन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, स्किन के पेशेंट बहुत ज़्यादा है, इसके लिए थोड़ा सा जो भी है एरिया का क्लीनलीनेस थोड़ा सा रखना चाहिए इनको, ठीक है? स्किन के अलावा और भी कौन से? और ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा क्या वीकनेस वगैरह के पेशेंट है, थोड़ा बहुत वीकनेस है किसी किसी को पेशेंट को। जैसे आप कह रहे हैं कि स्किन के जो पेशेंट है वो ज़्यादा है, तो उनके लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके लिए वो एहतियात करते हैं, क्या करना चाहिए उसके लिए? देखो, उसके लिए यहाँ पे जो एरिया का है, एरिया के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है? तो फिर इसके लिए क्लीनलीनेस जो है वो मेन हाइजीनिक है, हाइजीनिक कंडीशन थोड़ा रखना चाहिए सबको, जो भी है
बात वगैरह जो है वो दो टाइम करना चाहिए सबको। और तो आपने देखा कि जिस तरह से कैंपों का जो आयोजन किया गया, दो जगह ये कैंप लगाए गए हैं और एक मुमरा स्कूल में है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी तरह का एक कैंप जो है विरोधी पक्ष नेता शानू पठान के ऑफिस के कार्यालय के सामने भी लगाया गया है। बहरहाल इस कैंप का मकसद जो है जो लगाया गया है लोगों के सहूलियत के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया है। कैमरामैन हुसैन के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।